भाई आज मेंटोस असेंबली में ऐसी चीज़ें आ दी है जो यार मैंने सोची भी नहीं थी। एक अननोन प्लेयर आके भाई मेरे हॉर्स को मार देता है एंड भाई वो यार मेरे से फालतू बोलने लग जाता है फिर। एंड वो प्लेयर कौन था वो जानने के लिए यार आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखनी पड़ेगी। तो यार सो लेट्स स्टार्ट द हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ मेंटोस एसएमपी। तो भाई आज की वीडियो में कुछ ऐसा कांड होने वाला है ना जो कि भाई मैंने इस एसएमपी से एक्सपेक्ट तक नहीं करा था। भाई यार मैं अपना नॉर्मली खेल रहा था एंड भाई मैं अपने बेस से वापस ही आ रहा था अपने स्पॉन वाले घर पे एंड भाई मैं क्या देखता हूँ एक प्लेयर मेरे हॉर्स को जो मैंने टेम करा था उसको मार देता है। भाई यार उसको मारने की वजह पूछी तो भाई वही आगे पता चलेगा आपको क्या कहा उसने एंड भाई मेरे को तो इस बात पे बहुत गुस्सा आया एंड वो प्लेयर कौन था वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड भाई जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड डोंट वेस्ट ऑफ टाइम। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो एंड भाई मैंने अभी अपना सारा सामान अपने स्पॉन वाले बेस पे शिफ्ट कर दिया मतलब एंडर चेस्ट में बेसिकली शिफ्ट कर दिया है एंड कुछ कुछ सामान मैंने उधर छुपा के भी रखा है घर में तो नहीं है बट हाँ उसके थोड़ा इधर उधर सामान छुपा के रखा हुआ है मैंने बाकी का क्योंकि यार बेस अगर रहता है ना तो भाई बेस लूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए मैंने कहीं और छुपा दिया अपना सामान। उसको बेस भी नहीं कहेंगे एक कह सकते छोटा सा डब्बा टाइप नीचे मैंने घर बना के उसमें छुपा दिया कहीं तो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ छुपाया है। तो यार बेस क्योंकि अगर होता है ना कि अगर किसी को शक हो जाता है तो भाई बेस में कुछ ज़्यादा सामान मिल जाता है एंड वो तो ऐसी जगह पे किसी को वहाँ पे शक भी नहीं हो सकता कि वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ मेरा। एंड भाई मेरे को बीच में ये ट्राइडेंट भी मिल चुका था एंड भाई फटाफट से अभी तो घर पहुँच चुके हैं अपन फटाफट से घर जाते हैं एंड भाई मैं आपको अपना सामान दिखाता हूँ मेरे पे क्या क्या सामान पड़ा हुआ है एंडर चेस्ट में। भाई अपनी एंडर चेस्ट अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर एंड वॉर में हमें जीतना है तो भाई एंडर चेस्ट का होना ज़रूरी है। अगर एंडर चेस्ट नहीं होगी तो यार कुछ भी नहीं हो सकता एंड भाई सामने प्लेयर एंडर माइट है ओ इसको फटाफट से वीसी भी लाते इससे भी कुछ मज़े लेते हैं एंड भाई फटाफट से आगे का मैं आपको काम बताता हूँ मतलब काम सामान दिखाता हूँ। भाई मेरे विलेजर कहाँ गए सारे भाई मेरे विलेजर कहाँ गए सारे इसको वीसी बुलाते हैं पहले तो। हेलो हेलो एंडर माइट और आर्यन भाई सब बढ़िया क्या हालचाल है। भाई मैं तो ठीक हूँ बट ये बता मेरे विलेजर कहाँ गए एंड भाई तू ये हॉर्स को क्यों मार रहा भाई ये मेरा हॉर्स है। हेलो भाई भाई साहब पागल वागल है क्या तू हॉर्स को क्यों मारा मेरे। एंड भाई अभी एंडर माइट भाई मेरे हॉर्स को मार के लेफ्ट हो चुका है भाई उसका इंटरनेट इशू है एंड वो लेफ्ट कर चुका है फिलहाल जब तक वो आ रहा है भाई क्योंकि पीवीपी में ऐसे छोड़ के जाना इलीगल है तो अभी वो आएगा तभी उससे बात होगी। एंड भाई अभी चेस्ट में और सामान देख लेते और कुछ तो चोरी नहीं हुआ है फिलहाल मेरा इधर एक डायमंड आर्मर रखा हुआ था वो चोरी कर लिया एंडरमाइंड ने उससे मेरे को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता यार डायमंड आर्मर ही है। एंड भाई साहब भाई यार ये गलत करा यार उसने हॉर्स को क्यों मार दिया मेरे। भाई आने दोस्त को मैं एक बार पूछता हूँ भाई हॉर्स को क्यों मार रहा है यार मेरे कोई दिक्कत है तो मेरे से बात करता हॉर्स को क्यों मार दिया भाई। एंड भाई अभी तो इतनी ज़्यादा पावर है ना हम पे एंड वो डायमंड आर्मर में बस उसको तो यूं ही मार देंगे दो तीन शॉट का ये है वो बंदा वो भाई वो तो एंड टाइम पे जाके लेफ्ट कर गया गेम भाई वरना मैं इसको अभी मार देता बट यार उसको मारने से भी क्या ही होगा उससे अब भाई तगड़ा वाले रिवेंज लेना क्योंकि यार उसने भाई हमारे हॉर्स को मार दिया यार हॉर्स हमारा पहला पेट था इस एसएमपी में और एंड उसको मारा भाई यार वो बचने नहीं वाला है फटाफट से उसके ज्वाइन होने का वेट करते हैं एंड उसको तो भाई छोड़ने नहीं वाला मैं इस आर्मर स्टैंड का गुस्सा वहाँ पे निकलेगा एंडरमाइट पे मतलब एंडरमाइट का गुस्सा भी मैं आर्मर स्टैंड पे निकाल रहा हूँ बट यार यही चीज़ अभी एंडरमाइट पे भी होने वाली है। एंड भाई मैं अब उसको खुला चैलेंज करने वाला हूँ आके फाइट करे मेरे से ओके तो ये ज्वाइन हो चुका है एंड भाई इसको फटाफट से पहले तो वीसी भी बुलाना होगा एक तो भाई इसको ऐसे मार भी नहीं सकता क्योंकि इसका अभी लोडिंग हो रहा होगा एंड भाई इसको ऐसे मार दिया तो ये इलीगल हो जाएगा भाई अब इसको वीसी तो बुला दिया है भाई यार ये फटाफट से वीसी आया एंड मैं इससे बात करूँ यार क्या इशू था और अरे हवा में कैसे उड़ रहा है ये ओ अच्छा ग्लिच था कोई ओके कोई बात नहीं एंड भाई इसको फटाफट से यार ये वीसी आ जल्दी यार वीसी आना भाई यार इससे भाई पहले आराम से बात करनी है कि क्यों करा इसने ऐसा एंड फिर तो भाई अगर कुछ बड़ा इशू हुआ तो मैं कुछ कह तो नहीं सकता अगर उसमें मेरी गलती हुई तो
बट अगर मेरी गलती नहीं है एंड फिर इसने हॉर्स को मारा तो भाई बचेगा नहीं मेरे से इस एसएमपी में। एक तरह से अभी मेरा दुश्मन ही रह के जिएगा अभी इस एसएमपी में। अरे आर्यन भाई क्या फाइट करनी है क्या आपको? अच्छा भाई डायरेक्ट चैलेंज दे रहे, एक तो डायमंड आर्मर में लो मर गया, क्या फाइट करेगा रे तू? डायमंड आर्मर में आया, 3 शॉट मारा एंड तू मर गया। फिलहाल अब तुझे सामान नहीं मिलने वाला, तू भाग कहाँ तक भागेगा? एंड भाई एंड वॉर में तो मैं तेरे को बताऊंगा, अभी तेरा ड्रैगन एग तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रैगन एग जिसका है वो इस एसएमपी में किंग माना जाएगा एंड तेरा ड्रैगन एग तो नहीं होने दूंगा मैं। हाँ भाई अभी तो आपके पास तो मौका है यार, मेरे पास अभी आर्मर नहीं ढंग का, रुको थोड़े दिन रुक जाओ भाई, एंड वॉर के टाइम पे भाई इतना पेलूंगा ना, इतना पेलूंगा ना भाई, एंड एंटर ड्रैगन मेरे पास ही आएगा भाई, देख लो भाई। अभी तो भाई आप मार लो जितना मारना है। और भाई मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ फाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। भाई वो गलती किसने करी है वो तो सबको पता हुआ है भाई, तू फालतू में आके मेरे हॉर्स को मारा एक तो, एंड ऊपर से मेरे को भी इंजाम दे रहा है कि गलती मैंने करी है। भाई ये क्या सीन है भाई तेरा? एक तो खुदा के तू पहले मार रहे मेरे को, मतलब मेरे हॉर्स को मार रहे एंड कह रहे मेरी गलती है। मैंने जस्ट आपके हॉर्स को मारने का मजाक किया है, और भाई आप तो सीरियस ही ले रहे हो यार, आपको तो पता ही है ना इस एसएमपी में मैंने आपको क्या क्या नहीं दिया है, और आप दोस्ती तोड़ रहे हो मेरे साथ यार, ये उम्मीद नहीं थी आपके साथ। भाई हेल्प अगर कुछ चाहिए होती तो मेरे को बोलता, तेरे को एक्स्ट्रा नेदरराइट आर्मर चाहिए था मेरे से मांग लेता, मैं नेदरराइट आर्मर दे देता। पर यार हॉर्स को क्यों मारा यार तूने? हॉर्स को गलत मारा ना यार, उसकी गलती भी नहीं थी, तूने फालतू में मार दिया एक तो, एंड ऊपर से वो मेरा पहला पेट था भाई, ये चीज़ गलती कर दी तूने इस एसएमपी में, मतलब एक तरह से वॉर स्टार्ट कर दिया है, एक एंड वॉर तो अलग होनी थी एंड तूने ये चीज़ चालू करके अलग चालू कर दिया ये सब, एंड मेरे विलेजर को भी मारा तूने तो बचेगा नहीं यार, तू पिटने वाला है मेरे से। तो यार अब तू कुछ टाइम वेट कर, एंड वॉर में तेरे को बताता हूँ मैं। और एक राज की बात है जो कि मैं वो तुझे बताना चाहूँगा, जिससे भाई तू आगे चल के बहुत दिक्कत में भी आने वाला है। वो राज की बात है कि तेरा हॉर्स अभी जिंदा है। भाई सच में मेरा हॉर्स जिंदा है यार? भाई यार मेरे को फटाफट से लौटा दे, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा यार, प्लीज़ यार मेरा हॉर्स भाई तू दे दे यार। भाई यार थैंक यू यार, मेरा हॉर्स जिंदा है अभी। हेलो भाई एंडरमाइट, हेलो। अबे यार शिट भाई, लेफ्ट कर गया वीसी से भी एंड गेम से भी। भाई यार ये तो सही खेल गया यार। एंड भाई हाँ, अपना हॉर्स अभी तो जिंदा है, बट यार अभी वो एंडरमाइट के कब्जे में है हॉर्स अपना, उसको कैसे भी तो हमें हॉर्स को छुड़ाना पड़ेगा एंडरमाइट से, क्योंकि यार ये अपना इस एसएमपी का पहला पेट है एंड भाई मैं पेट को ऐसे किसी के हाथ नहीं जाने देता यार। तो यार इसलिए यार अभी यार एंडरमाइट से कैसे भी करके अपना हॉर्स वापस लेना ही पड़ेगा, कुछ भी डील करनी होगी मैं रेडी हूँ, नेदरराइट आर्मर मांगेगा नेदरराइट आर्मर देने के लिए रेडी हूँ भाई मैं, बट यार अपना हॉर्स मेरे को चाहिए तो चाहिए। एंड भाई अगर वो प्यार से भी नहीं देता अपना हॉर्स तो भाई मेरे को आगे के भी रूल्स आते हैं कि कैसे हॉर्स अपना लेना है एंडरमाइट से। तो यार भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट में आगे बताना मेरे को एंडरमाइट के साथ क्या करना चाहिए। एंड भाई सब इंस्टाग्राम पे फटाफट से जाके फॉलो करो, आईडी स्क्रीन पे आ रही है। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।